हम अपनी जगह पर तशरीफ रखिएगा. Lord Jesus, we praise you. We praise you, Lord. Hallelujah. There is no one else like you, Lord. We praise you. Hallelujah. 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 Okay, okay. अब खुदा के खादिम को हम दावत देंगे. जोरदार तालियों में प्लीज कर. हालेलुया. शाब हालेलुया. Hallelujah is not very good for me. Shout a bigger hallelujah. Hallelujah. Now shout a bigger hallelujah. Hallelujah. No, this is not. Hallelujah, मेरे वास्ते बेहतर नहीं. कम से कम अपने अपने रूहानी बाप नाल तो ज्यादा आवाज करो. This is something like UK hallelujah. I want Pakistan hallelujah. ये इस तरह का हालेलुया जिस तरह यूके में लोग कहते हैं. आप पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों की तरह हालेलुया कह के दिखाएं. हालेलुया. आज मुझे यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. Sometimes God saved the best for the last. वास्तव खुदा एंड पे जो रखता है वो पहले से भी अच्छा रखता है. My mom used to have a restaurant. My mom used to have a restaurant. मेरी वालदा जो है वो एक रेस्टोरेंट में जाया करती थी. So I discovered that the last part of the food is the best part. और मेरी माँ जिस रेस्टोरेंट में मुझे लेके जाती थी वहाँ में जो आखिरी नवाला लगाता था वो मुझे लगता था सबसे ज्यादा अच्छा है. Do you know that secret as well? कि आपको बताइए राज इसके पीछे क्या है. Do you know that secret? No, I don't know. You don't know? Yeah. You don't know? No. Ask the women, they will tell you. Ask. आपको पता है कि क्यों वो मुझे आखिरी नवाले क्यों ज्यादा पसंद थे. Ask the women, is it true? मामा आखरी ये सच्चे एक चंगी जी बोटी या चंगा जी सैंडविच रख सर्दियों में तेरा खा बात चाहते थे सच्चे है. Is it true? Yes. You see, this man he don't cook, that's why. Only the women are cooking. He don't cook, no? Ah, that's why. So, the women they have a very good secret. और खवातीन के पास ऐसे बहुत से राज होते हैं. They always give the men the top of the pot and they leave the bottom, the best part for themselves. और हमेशा खवातीन जो ऊपर वाली बोटियां अपने हस्बैंड्स को दे देती हैं, लेकिन नीचे वाली जो है वो अपने लिए रख लेती हैं. That's why they're looking so beautiful. They give the best part. और इसी वजह से देखिए हमारी बहनें कितनी खूबसूरत हैं. Hallelujah. I hope you're not angry with me. I gave out your secret. और मैं समझता हूँ कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपके राज को खोल दिया है. So now when you go home, tell your wife, I don't want the top anymore. Go for the bottom part. और अब जब आप घर जाएंगे तो जरूर अपनी बीवी को कहें कि वो जो नीचे छुपाई है वो मुझे दो ऊपर वाले रहने दो. You will see it's going to taste different. और फिर आपको पता लगेगा कि उनका टेस्ट ऊपर वाले से बहुत मुख्तलिफ है. This is our last service in Pakistan before we go back to London. And I believe you are in for the best in the name of Jesus. और पाकिस्तान को छोड़ने से पहले लंदन जाने से पहले ये हमारी आखिरी इबादत है और मेरा ईमान है कि आज इस इबादत के वसीला से खुदा अपना बड़ा काम करने को. और मैं इस बारे में सोच रहा था कोशिश कर रहा था कि कौन सा टॉपिक चुनूं आज शाम के लिए. और जब मुझे कहा जा रहा था कि चले बिशप उधर चले रायगढ़ में हमने जाना है तो मैं सोच रहा था कि क्या बयान करूंगा अभी. I have understood something about some of the ways God works with men of God and ministers and ministry.
और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कुछ ऐसी बातों पे कि किस तरह खुदा अपने मध्य खुदा यानी खुदाम के साथ चलता रहा है। Sometimes you are up all night preparing a message and when you come to preach say, oh leave it, I give you something else. और बस बात ऐसे होता है कि कालम सारी सारी रात पैगाम तैयार करते हैं, मैसेज तैयार करते हैं, लेकिन जब मैसेज तैयार करने के लिए जाते हैं, सुनाने के लिए जाते हैं, तो खुदा कहता है कि ये नहीं सुनाना, वो सुना जो मैं तुझे दे दूंगा। So now I said, Lord, I don't want headache. Just tell me what to do. और अब मैंने कहा खुदा ने मेरी सिर पीट दी है, तू मुझे बताएगा कि मैंने क्या सुनाना है। So I'm glad he told me what to do at the crusade. I'm glad he told me what to do at the first service. I'm glad he told me what to do at the second service. And while we arrived here, he also told me what to do. Hallelujah. Hallelujah. और कल रात जब मैं क्रूसेड में था तो मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या सुना ना, खुदा ने कल रात में मुझे दिया, आज सुबह इबादत में भी खुदा ने मुझे बताया कि मैंने क्या करना है, और उसके बाद की भी इबादत में, और आज भी इस वक्त में भी खुदा ने मुझे बता दिया है कि आपके लिए मैंने क्या खुराक पहुंचानी है। हालेलुया हालेलुया। When we were at the house having wonderful fellowship with Pastor Hamid, और जब हम पास्टर हामिद रजा के घर आए तो इनके घर में हमारी बड़ी खूबसूरत रफाकत हुई इनके वालिद के साथ, भाई साहब के साथ। God spoke to me, but I said, God, no, this cannot be the message for these people. और खुदा मेरे साथ बोला कुछ, लेकिन मुझे लगा कि ये वो पैगाम नहीं है जो मैंने इन लोगों तक पहुंचाना है। I said, no, this is Pakistan. It cannot be this kind of message. और मैं सोचा कि शायद ये पाकिस्तान है, इन लोगों को इस तरह के मैसेज की जरूरत नहीं होगी। Then when Papa walked in, और फिर पादरी साहब के पापा जो हैं वो कमरे में दाखिल हुए, और जब पादरी साहब के वालिद साहब ने अपनी गवाही को मेरे साथ शेयर किया, That's why I was quiet. तो उस वक्त मैं चुप कर गया। I was quiet because I was in shock. क्योंकि मैं हैरान हो गया कि ये क्या हो गया है। God said, you see, that is your confirmation right there. और खुदा ने मुझे कंफर्म कर दिया, जो कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ वही सुनाऊंगा। He is a covenant keeping God. और फिर हमें हर वक्त खुदा के साथ जुड़े रहने की। He is a God of covenant. वो खुदा जो वादों का खुदा है, ऐतों का खुदा। The God of Abraham, Isaac and Jacob. और वो खुदा जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा। He is a God of Israel. वो इसराइल का खुदा है। And he is our God. और वही हमारा खुदा है। Tonight. आज रात। Tonight. आज रात। आज रात हम कुछ ऐसा देखने को हैं जो बड़ा मनफरद है, अनोखा है। From the book of Genesis chapter 28. आए देखिए पैदाइश की किताब में से। From verse 11. उसकी 28वें बाब की 11वीं आयत से हम देखेंगे। In fact, from verse 10 to verse 22. हम 28वें बाब की 10वीं आयत से स्टार्ट करके उसकी 22वीं आयत तक देखेंगे। पैदाइश की किताब 28वां बाब उसकी 10वीं आयत से 22वीं आयत तक। And we are going to read together. और फिर हम इकट्ठे पढ़ेंगे। And Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. और याकूब बीर्सबा से निकलकर हरान की तरफ चला। And he lighted upon a certain place and tarried there all night because the sun was set. And he took the stones of that place and put them for his pillows and lay down in that place to sleep. और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था, और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। And he dreamed a dream. और ख्वाब में क्या देखता है? And behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to the heaven, and behold, the angels of God ascending and descending. कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। Behold, the lampstool, and the Lord God of Abraham thy father, the God of Isaac, and the lamb thou liest to thee, will I give it unto thy seed. और खुदावंद उसके पास और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरा बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ, मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। And thy seed shall be at the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south, and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.
blessed. और तेरी नस्ल जमीन की गर्त के जरों की मानिंद होगी और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरी और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे. And behold, I am with thee, and will keep thee in all thy places. Without thou goest, I will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाएगा तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा. And Jacob awoke out of his sleep and he said, surely the Lord is in this place and I knew it not. और तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह पर है और मुझे मालूम ना था. And he was afraid and said, how dreadful is this place, this is none other but the house of God and this is the gate of heaven. और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है तो ये खुदा के घर और आसमान के आस्थाने के सिवा और कुछ ना होगा. And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillows and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. और याकूब सवेरे उठा और उस पत्थर को जो उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला. And he called the name of that place Bethel, but the name of that city was called Luz at first. और उस जगह का नाम बेतेल रखा लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था. And Jacob vowed a vow saying, if God will be with me and will keep me in this way that I will go and give me bread to eat and remnant to put on. और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे. So that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावन मेरा खुदा तू ही होगा. And this stone which I have set up for a pillar shall be God's house. और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा और जो कुछ तूने मुझे दिया है उसका दसवां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. और जो कुछ तूने मुझे दिया है उसका दसवां हिस्सा तुझे दिया करूंगा. Hallelujah. Hallelujah. My topic tonight simply says that covenant keeping God. और मेरा आज का जो टॉपिक है मजमून है वो है खुदा का अहद जो वो अपने लोगों के साथ बांध. Somebody shout that covenant keeping God. के आप में से कोई चिल्लाए हम सब कहें कि खुदा जो अहद बांधता है. Hallelujah. What is the meaning of a covenant? अहद के क्या मायने है? Covenant means an agreement between one or two people. कॉविनेंट का मतलब है वादा या एग्रीमेंट जो एक या दो या तीन अशख़ास के दरमियान बांधा जाता है. When we go into a covenant with people, some of them can break the covenant. जब हम लोगों के साथ कॉविनेंट बांधते अहद बांधते हैं. We have business covenants. हमारे हम We have marriage covenants. हम शादी के मौके पर दूसरों के साथ एग्रीमेंट बांधते हैं या बीवी के वक्त. We have ministry covenants. हम अपनी खिदमत के दौरान एग्रीमेंट करते हैं. But some of our covenant partners. Some of our covenant partners. कुछ हमारे जो अहद होते हैं अहूद होते हैं वो पर्सनल हो जाती होते हैं. Be it in marriage or in business. हो सकता है वो आपकी शादी का हो या आपके कारोबार का हो. Sometimes they can get angry and leave us. और बात बात एग्रीमेंट करने वाले लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं और दूर चले जाते हैं. Sometimes they can get angry and break the covenant. और फिर वो एक दूसरे से नाराज होकर एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं. But we serve a covenant keeping God. देखिए कि जो खुदा अहद बांधता है वो अहद कैसा है. He is so faithful that even in our faithfulness, he still keeps his part of the covenant. याद रखिए कि जो खुदा अहद बांधता है हम वफादार ना भी रहे तो भी खुदा वफादार रहता है. हालेलुया. हालेलुया. Jacob, याकूब जो है had a covenant with God. याकूब ने खुदा के साथ अहद बांधा. Sometimes we think that it was one covenant. बाज़कत हम सोचते हैं कि ये एक ही अहद था. But I want to show us something. मैं आपको कुछ आज बताना चाहता हूँ. That Jacob ate covenants with God.
हम देखते हैं कि जेकब ने खुदा के साथ 8 अहद बांधे. Jacob had about 8 covenants with God. याकूब ने खुदा के साथ 8 वादे किए, अहद बांधे. These covenants were divided into two parts. These 8 covenants are divided into two parts. ये जो 8 अहद हैं, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं. He wanted God to do 5 parts of the covenants. तो एक हिस्सा है वो शायद 5 अहद पर मुश्तमिल है. While he would do 3 parts of the covenants. और फिर जो दूसरा अहद है वो 3 अहद पर मुश्तमिल है. Do you want to know what this covenant is? आपको पता है कि वो कौन से अहद हैं? Do you want to know? आप जानना चाहते हैं? Do you want to know? आप जानना चाहते हैं? Do you want to know? जानना चाहते हैं? Yes. We go back to Genesis 28 from verse 20. आए हम देखें पैदाइश की किताब उसके 28वें बाब की 20वीं आयत. He said, and Jacob vowed a vow saying, और याकूब ने मन्नत मानी, if God will be with me, और कहा कि अगर खुदावंद मेरे साथ रहे, that is the covenant of partnership. ये जो कोविनेंट या वादा है वो पार्टनरशिप का है, अशराकतदारी है. He said, God, my mother was my partner in crime. उसने कहा कि मेरी माँ जो थी वो मेरे गुनाह में बराबर की शरीक. She showed me how to deceive my brother. और उसने मुझे, याकूब कहता है, मेरी माँ ने मुझे बताया कि किस तरह मैं अपने भाई को धोखा देकर वो बरकत हासिल कर लूं. And since that day I have known no peace. और फिर मैं उस दिन से अपनी जिंदगी में अमन और सलामती को नहीं देख रहा हूँ. Since that day I have been running for my life. इस उस दिन से मैं अपनी जिंदगी से भाग रहा हूँ. So he said, Lord, you become my और वो कहता है कि अब तू मेरा पार्टनर बन जा. And God responded. और खुदा उसका जवाब देता है. In a dream. उसका जवाब देता है खुदा एक ख्वाब में. I showed him a ladder. और खुदा उसको एक सीढ़ी दिखाता है. I spoke to him. और फिर उससे कहता है. The same way he spoke to your father. जिस तरह खुदा अपने खादिम के वालिद से बोला. The same way he will speak to you. इसी तरह खुदा आज आपसे भी बोलेगा. Because of the covenant of partnership. क्योंकि शराकतदारी के उस अहद में. Today I call you citizens of Pakistan, my brothers and sisters, to ask God to become your partner in life. आज पाकिस्तानी, पाकिस्तान के शहरियों, मैं आज से कहना चाहता हूँ, आप अपने अहद में खुदा की शराकतदारी में खुदा को अपना पार्टनर बना लें. So become your partner in your marriage, your ministry, your business, your work. So become your partner all round, and you will see that you will never lose. और अगर आप अपनी जिंदगी की तमाम शराकतदारियों में, अपनी शादी में, अपने कारोबार में, अपने तमाम मामलों में खुदावंद को अपना शराकतदार बना लेंगे, तो वो आपको हर सूरत में वो पार ही करेगा. हालेलुया. मैं क्या आपको एक राज बताऊं? पार्टनरशिप शराकतदारी में, द पार्टनर्स दे डोंट वांट टू लूज. जो पार्टनर होते हैं वो खासतौर पर अपना हिस्सा नहीं छोड़ते. If we are business partners, अगर हम बिजनेस के पार्टनर हो, he would not want me to lose. वो मुझे छोड़ना, बादशाह मुझे छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि I will not want him to lose. और ना ही मैं इनको छोड़ना चाहूंगा. So, but we have different skills. क्योंकि हम दोनों के पास अलग अलग सलाहियतें हैं. Maybe he has IT skills. हो सकता है इनके पास IT की skills हो. Maybe I have managerial ability. हो सकता है मेरे पास मैनेजरियल जो है सलाहियतें हो. When Jacob went into partnership with God, जब खुद याकूब ने अपने शराकतदारी खुदा के साथ बनाई, God has supernatural knowledge. तो फिर खुदा ने देखा उसको. And Jacob had natural knowledge. Sorry. Jacob had natural knowledge. God has supernatural knowledge. खुदा जो है वो मुखल फितरत था, और याकूब जो है तबई कुदरत को हामिल शख्स था. So in order for God to gain and for Jacob to gain, God had to give part of his supernatural knowledge to Jacob. और फिर खुदा ने सोचा, मैं अपनी मुखल फितरत कुदरत को याकूब पर जाहिर करके अपने लोगों को अपने करीब लेकर आऊंगा. The question is, how did God do it? I will tell you. क्योंकि शायद खुदा इंसानों के जरिए अपनी कुदरत को दूसरों पर जाहिर करता है, इसलिए खुदा ने याकूब को चुना कि वो अपनी कुदरत को लोगों तक पहुंचाए. When Jacob was in Laban, and when Jacob was with Laban,
And Laban tried to deceive him 10 times. He cried to God, his business partner, and said, they are deceiving me. Our business is failing. Do you know what God did? याद रखिए कि जब याकूब लाबन के साथ था तो याकूब ने लाबन ने बड़ी दफाओं से धोखा दिया, लेकिन फिर याकूब खुदा से कहता है कि लाबन मुझे धोखा दे रहा है, अब तू मेरा पार्टनर बन जा। In a dream, एक ख्वाब में God gave him supernatural knowledge. और फिर खुदा याकूब को ख्वाब में माफुकुल की फितरत कुदरत बख्श देता है। In a dream, एक ख्वाब में God showed him how to tamper with DNA. और फिर खुदा उसको डीएनए का राज उस खाप में बता देता है। Jacob was the first scientist who tampered with DNA. याद रखें कि याकूब हिस्ट्री में वो पहला इंसान है जिसको डीएनए के बारे में पता लगा था। God said to Jacob, खुदा ने याकूब से कहा, We are partners. हम पार्टनर्स हैं। You cannot lose. हम चूंकि पार्टनर्स हैं इसलिए मैं अपने पार्टनर को हारने नहीं दूंगा। और खुदा ने कहा याकूब को कि तुझे बस ये करना है। Take a stick. एक स्टिक ले। Cut the stick. और इस स्टिक को काट। Put in front of the animals. और इस स्टिक को जो काटी हुई है जानवरों के सामने रख। Make sure they look at the stick during mating season. ताकि वो जानवर जो खासतौर पर बच्चे पैदा करने को हैं वो इस स्टिक को देखते रहे। All the animals will be like the stick. और फिर वो जानवर जो पैदा होंगे वो इस स्टिक की तरह होंगे, निशान होंगे। हालेलुया। बिफोर दैट, इससे पहले, he said to his master, और उसने इससे पहले अपने मालिक से कहा, let's make a deal. He said to his master, let's make a deal. Let's make a deal. A deal, yes, a business और इससे deal. पहले याकूब ने अपने मालिक यानी लाबन से कहा, आओ हम एक डील करते हैं। Laban said to Jacob, और फिर याकूब ने से कहा, All the animals with stripes, और वो सारे जानवर जिन पर धारियां हैं, you can take them, आप उनको ले सकते हैं। Leave the pure animals for me, और दूसरे जो जानवर हैं जिन पर जिस्म पर धारियां हैं वो मुझे रहने दे। Deal, no problem, और याकूब ने कहा ठीक है मुझे डील मंजूर है। Then God said to him, और फिर खुदा ने उससे कहा, I will transfer the wealth of Jacob to you. और फिर खुदा ने उससे कहा कि जो कुछ तूने किया मैं तेरे साथ, the wealth of Laban to you. और खुदा ने कहा कि जो कुछ लाबन का वो तुझे मैं दे दूंगा। That's why how all the animals became stripes and slicks. और इसी तरह जब खास तौर पर दूसरे जानवर जिनके धारियां नहीं थी वो याकूब की हो गए। Because of the covenant of partnership. क्योंकि उस अहद की वजह से जो शराकतदारी ने खुदा ने याकूब के साथ बांधा। आपको पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? If you understand, shout hallelujah. अगर आपको समझ आ रही है तो कहें हालेलुया। Second covenant. देखिए खुदा की अहद को। He said, and will keep me in this way that I will go. और in which verse? Verse 20. और 20वीं आयत में लिखा है, He said, Jacob vowed a vow. और याकूब ने मन्नत मानी, If God will be with me, और कहा कि अगर ये शराकतदारी का अहद था जो याकूब ने खुदा के साथ, And will keep me in this way that I will go. और जो सफर मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत अगर करे, That is the covenant of protection. और ये वो अहद था जो खुदा ने हिफाजत के लिए याकूब के साथ माना। When you are not important, जब आप गैर जरूरी होते हैं, when you are nobody, जब आप कुछ भी नहीं होते हैं, when you don't have anything to you, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, you can walk around the streets, और फिर आप गलियों में मारे मारे फिर रहे होते हैं, without protection, आपके पास कोई हिफाजत नहीं होती, because nobody cares, क्योंकि आपकी कोई फिक्र नहीं करता, but when you have become a partner with God, क्योंकि जब आप खुदा के पार्टनर बन जाते हैं, that partnership makes you prominent. जब आप खुदा के साथ पार्टनर बन जाते हैं तो फिर वो आपको खास बना देता है। Then you will need both spiritual and physical protection. और फिर आपकी खास तौर पर हिफाजत की जाती है उसके फरिश्तों के जरिए। Hallelujah. Hallelujah. I want to give you an example of this covenant at work. और जल्दी जल्दी मैं आपको इस अहद की और एक मिसाल देता हूँ। When Jacob ran away with his family from Laban,
जब याकूब अपने खानदान से भागा के लाबन के पास जाए और लाबन उससे नाराज हुआ, He pursued after them. जब लाबन के पास से याकूब भागा उस वक्त लाबन गुस्से में आ गया और फिर उनका पीछा किया उसने और उनके पीछे भागा। Yes, sir. And God appeared to Laban in the dream. और फिर खुदा लाबन के ख्वाब में आया। And God said to him. और खुदा ने लाबन से कहा। When you see my servant Jacob. खुदा कहता है कि जब तू मेरे बंदा याकूब पर निगाह करे, don't speak good, don't speak evil. मेरे बंदा से ना कोई अच्छा बोलना ना कुछ बुरा उसके बारे में कहना। Because of the covenant of protection. क्योंकि उसके साथ मेरा शराकतदारी का मोहब्बत से भाग गया। God will protect you. खुदा आपकी भी हिफाजत करेगा। When your father said this more. खुदा खासतौर पर जब आपके बालक मुझे ये बता रहे थे। Some people came to attack him. जब इनके वालिद बादशाह के वालिद बता रहे थे कि कुछ लोग उन पर हमला करने आए। But God came to protect your father. लेकिन खुदा आया कि इनके वालिद की हिफाजत करे। God will protect you. इसी तरह खुदा आपकी भी हिफाजत करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा उनकी तारीफ हो। The third covenant. तीसरा जो अहद है। Still from verse 20. आज हम 20वीं आयत में ही देखेंगे। He says, and we give me bread to eat. और वो कहता है और अगर मुझे खाने को रोटी दे। When Jacob left Beersheba, जब याकूब जो है वो इस अहद को बांधता है। He left with only one bag. जब वो खास तौर पे अपने घर से निकला तो एक बैग के साथ निकला। Just one bag. एक बैग के साथ निकला था। That one bag was not enough to sustain him. हो सकता है कि एक बैग उसके लिए ना काफी हो सारे सफर के लिए। In that bag he only had one oil. हो सकता है इस बैग में सिर्फ उसके पास तेल की कुप्पी हो। In the city of Luz, he used the oil to anoint the stone, so he was empty-handed. और मिस्री कानून के मुताबिक खास तौर पे तेल जरूरी होता है किसी चीज को मसा करने के लिए। That's why he said, Lord, if you will give me bread to eat, if the covenant of provision. और खास तौर पे खुदा उनसे इसलिए वो कहता है कि अगर मेरे सफर में तू मुझे रोटी देता रहे। Can I tell you how God provided for him? और देखे कि किस तरह खुदा ने उसको मुहैया करता रहा। The very first day, he stepped feet into that city. और पहले ही दिन जब उसने उस शहर में कदम रखा। Because of the covenant, उस अहद की वजह से God made provision for him. और फिर खुदा ने उसे मुहैया करना शुरू किया। Hallelujah! Hallelujah! Jacob met his wife on the first day. और देखिए कि पहले ही दिन याकूब अपनी बीवी से क्या मिला। Jacob got his job on the first day. और दूसरे दिन वो अपनी जॉब पर पहुंच गया, काम पे पहुंच गया। Jacob got his house on the first day. और कुछ ही दिनों में उसको अपना घर मिल गया। Jacob got food on the first day. और पहले ही दिन उसको खाने के लिए भी मिल गया। Why? Because God became his provider. क्योंकि खुदा उसका मुहैया करने वाला बन गया था। Hallelujah. He came with one bag. वो एक बैग के साथ रवाना हुआ। An empty bag. और खाली बैग था, तेल की कुप्पी के साथ। But when he was leaving, लेकिन जब वो वहाँ से निकला, he left with generations with him. और उसके साथ नस्लें थी जब वो लाबन के घर से निकला। God will bless you and your generation in the name of Jesus. यीशु के नाम में खुदा आपको और आपकी नस्लों को बरकत देने को है। The next covenant. और अगले अहद में is the covenant of prosperity. अगला अहद जो है वो खुशहाली का अहद है। He said, and remnants to put on. That is beautiful clothes to put on. और लिखा है और पहनने को मुझे कपड़ा देता रहे। Let me explain. मैं इसको आपके साथ वाजा करता हूँ, बताता हूँ। All the big designers in this world. जो दुनिया के बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, गुची प्रादा और बहुत से ब्रांड्स जो हैं, they all learned how to do business from Jacob. और सबने खास तौर पर याकूब से सीखा है कि किस तरह अपना कारोबार करें। And I'm going to prove it. और मैं इसको वाजिया करने की कोशिश करूंगा। Jacob had a lot of cattle. याकूब के पास बहुत से जानवर थे।
From that cattle we have leather. और उस उन जानवरों के वसीला से उनके पास बहुत सा लेदर था. For leather should leather wrap leather jackets. और उन जानवरों की खाल की वजह से वो खास तौर पे शूज बना सकता था, लेदर जैकेट्स बना सकता था और ऐसे बहुत सी चीजों को बना सकता. Hallelujah. Hallelujah. God gave you prosperity. खुदा आपको खुशहाली देता है. He was so rich that he could not have his riches. और याकूब इस कदर खुशहाल हो गया कि उसे किसी और चीज की जरूरत ना रही. The next covenant I want to share with us. अगला अहद जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ. Is the covenant of peace. अगला जो अहद है वो खास तौर पे अमन का अहद है. He said that I may come again to my father's house in peace. और कहता है कि अगर मैं अपने भाव के घर सलामत लौट जाऊं. Remember when he left, he did not live in peace. और देखें कि जब वो वापस गया तो वो अमन की हालत में था. His brother vowed to kill him. हालांकि उसका भाई उसके पीछे आया, उसके सामने आया कि उसको कत्ल कर दे. Because he stole his brother's birthright. क्योंकि उसने अपने भाई के हिस्से के बरकत को ले लिया था. But God gave him peace. लेकिन खुदा ने उसके भाई सऊद से भी उसको बचा लिया. Do you want to know how God did it? देखिए कि खुदा ने किस तरह ये मुमकिन किया. Pastor, do you want to know? पास्टर साहब आप जानते हैं कि किस तरह? Do you want to know? आप जानना चाहते हैं? Do you want to know? आप जानना चाहते हैं? When Jacob was going back home, जब याकूब लाबन के घर से वापस अपने बाप के घर में जा रहा था. His name was still Jacob. और उसका नाम याकूब था. The one Esau threatened to kill was Jacob. और लोग याकूब को धोखा देने वाला कहते थे. On his way back, he remembered that his brother wanted to kill him. और वो जब वापस अपने घर की तरफ जाना था, उसे पता था मेरा भाई इसाऊ मुझे कत्ल करने को आ रहा है. So he divided his family into portions. और फिर उसने अपने खानदान के मुख्तलिफ हिस्से कर दिए ताकि अगर वो अटैक करे तो कोई एक हिस्सा बच जाए. Do you remember that story, man of God? आपको ये कहानी याद है? Because by that time Esau was a mighty man of warrior. और a mighty man of war. क्योंकि वो जंगी इस्लाह के तौर पर चल रहा था. So he divided his family. He said, if Esau attacks this one or this one, then the other one can run away. और फिर उसने अपने खानदान के मुख्य हिस्से कर लिए, यूसुफ और बिन्यामीन को राकेल के साथ कर लिया, बड़े बच्चों को अलग कर लिया और खुद सबसे आगे चला गया. And his way back, that covenant of peace began to speak for him. क्योंकि खुदा उसके साथ बोल रहा था, इसलिए वो वापस जाते हुए भी अमन और सलामती में रहा. He had an encounter with an angel in the night. और फिर जब वो वापस जा रहा था तो फरिश्ते के साथ रात को उसकी मुलाकात. And the Bible said they wrestled all night. और हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि वो फरिश्ते से सारी रात लड़ता रहा. And he said to the angel, I will never leave you unless you bless me. और वो फरिश्ते से कहता रहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा. But what kind of blessing is he asking? और वो किस बरकत के बारे में बात कर रहा? He was already blessed. क्योंकि हालांकि वो पहले ही बरकत. He was asking for the blessing for the activation of the covenant of peace. वो अपनी अमन और सलामती के पीस के अहद के लिए बरकत मांग रहा था. That's why the angel asked him, he said, what is your name? इसलिए फरिश्ते ने उसे कहा कि तेरा नाम क्या है? What is your identity? तेरी शनाख्त क्या है? And he said, my name is Jacob. और उसने कहा मेरा नाम याकूब है. He said, I am a deceiver. उसने कहा मैं धोखा देने वाला हूँ. He said, I am walking my own strength. और उसने कहा जो कुछ मैंने किया अपनी ताकत से किया है. And the angel said, और फरिश्ते ने कहा, from today, आज से, your name shall no longer be Jacob. तेरा नाम आज से याकूब नहीं होगा. Your name shall be Israel. तेरा नाम आज से इज़राइल होगा. Hallelujah. Now watch this. देखें इसको. When Esau came to see Jacob. देखिए जब इसाऊ आया कि इसराइल को देखे, याकूब को देखे. He came with his army to kill Jacob. वो अपने बंदों के साथ, जंगजू लोगों के साथ आया ताकि याकूब को कत्ल करे. But when he got there, he did not see Jacob. लेकिन जब वो आया तो याकूब को देख ना सका जो पहले याकूब धोखा देने वाला. He saw Israel. उसने इसराइल को देखा, याकूब को understand it now. क्योंकि खुदा का अहद याकूब के साथ बन चुका. God will change your identity. खुदा आपकी शनाख्त को बदल देगा. He will also change what identifies with you. खुदा आपके साथ जो माजी में हो चुका है उसकी सोच को भी बदल देगा. Because of the covenant of peace. क्योंकि आपके साथ खुदा का अमन का मुआहदा हो. Shout hallelujah. कहें हालेलुया. Then the
fifth covenant that he made, he said, then shall the Lord be my God. और जो पांचवा है उसने कहा तो तू मेरा खुदावन मेरा खुदा होगा. This is the covenant of worship. और ये वर्शिप का यानी इबादत का है. Joshua said, choose you this day whom you will serve. As for me and my household, we will serve the Lord. As for me and my household, we have made an everlasting covenant. We shall worship the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. और यशवा ने लोगों से कहा आज के दिन तुम चुन लो कि किसकी इबादत करोगे. अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो मैं तो खुदा जो अब्राहम का खुदा है, यकूब का खुदा है, इसहाक का खुदा है, मैं दूसरी की प्रस्तुति करूंगा. हालेलुया हालेलुया. The covenant of worship demands from us to become born again. और जो अहद है हम का इबादत का है. The covenant of worship demands from us to surrender our lives to God. और ये इबादत का है तो ये हमें इस चीज के लिए भागना है कि हम अपने आप को खुदा को दे दें. Let me explain what happened. मैं आपको ये वाज़ह करता हूँ कि क्या होता है. Please, I need this to move. Let me explain to you what happened. मुझे ये जगह चाहिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या हुआ. When Jacob got to the city of Luz. और जब जेकब लूज के शहर में आया जहां बेतेल उसने उसको नाम दिया. लूज मींस लाइट. और लूज का मतलब है रोशनी. बट व्हेन ही कम टू लाइट देयर वाज नो लाइट. लेकिन जब वो वहां पहुंचा तब वहां रोशनी नहीं थी. द बाइबल सेड द सन वाज सेट दैट मींस इट वाज डार्क. और जब वो लूज के इलाके में पहुंचा तो सूरज गुरूब हो चुका, इसका मतलब वहां रोशनी नहीं थी. समटाइम्स दिस इज हाउ आवर लाइफ इज. बात का हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है. We come to a place expecting to see light, but we're in darkness. लेकिन हम बात का ऐसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहां हमें रोशनी मिले, लेकिन जब हम वहां पहुंचते तो रोशनी नहीं होती है. When he come to the city of Luz, the Bible said he was tired and he needed to rest. और जब वो लूज के इलाके में पहुंचा, बाइबल बताती है तो वो थका हुआ था, उसने चाहा कि मैं आराम करूं. When we do this in our own strength, we are bound to run out of ideas. We are bound to get tired one day. और जब हम कुछ भी कोई भी काम अपनी ताकत से करना चाहते हैं तो याद रखें फिर हम अपने ख्याल अपनी सोचों के मतहत हो जाते हैं. So the Bible said there were many stones. और बाइबल बताती है कि लूत की सरजमीन पर बहुत से पत्थर थे, जिस तरह ये दिखा रहे हैं. और लूत के शहर में बहुत से ऐसे पत्थर थे. Look for stones in the city of Luz. और बाइबल बताती है जब वो लूज के शहर में गया तो उसने उस पत्थर को देखा. He found one stone. और उसने एक पत्थर को ले लिया. The Bible said he put his head on the stone to rest. और बाइबल बताती है उसने अपने सर को इस पत्थर पर रख लिया. And while he was resting on that stone. और जब वो उस पत्थर पर आराम कर रहा था. Something happened to him. कुछ उसके साथ खास हुआ. He went from the realm of rest. और फिर वो जब आराम कर रहा था. To the realm of revelation. तो फिर उस पर एक भेद आश्चर्य हो गया, आसमान खुल गया. That was where he had the dream. और वो जो कुछ हो रहा था उसके काम में था. And heaven was open unto him. और आसमान उसके लिए खुल गया. And God spoke to him. और खुदा उसके साथ बोला. Because he was resting on a stone. क्योंकि वो उस पत्थर पर सर रख के सो रहा था. But it was not an ordinary stone. लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं था जिस पर उसने सर रखा. There were many stones in that city. वो वहाँ बहुत से पत्थर थे उस शहर में. There are many stones in Lahore. बहुत से stones आज लाहौर में भी पत्थर बहुत. There are many stones in Pakistan. पाकिस्तान में भी बहुत से पत्थर हैं. These stones represent other gods and other religions. और ये दूसरे जो पत्थर हैं दूसरे खुदाओं और दूसरे माबूदों को जाहिर करते. But he chose the right stone. लेकिन याकूब ने असल पत्थर को he chose the chief cornerstone. और उसने उस पत्थर को जो खुदा का था उसको चुन लिया. He chose the stone which the builders in Luz rejected and threw away. But he came and he picked the stone and he rested his head upon that stone. और उसने उस पत्थर को चुन लिया जिसको मुमारों ने रद्द किया था और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया. Tonight I call upon Pakistan. और खुदा आज पाकिस्तान से कहना चाहता है. Choose the right stone. खुदा पाकिस्तानियों से कहता है कि आज उस पत्थर को चुनो. Jesus Christ is the right stone.
stone. यीशु मसीह वो कोने के सिरे का पत्थर है. He is the rock of ages. वो जो है वो कोने के सिरे का पत्थर है. He is the eternal rock. वो हमारी अवधि चट्टान है. He is the chief cornerstone. और वही हमें हकीकत में हमारा हकीकी चट्टान है. The chief cornerstone. और वो जो हकीकत में हमारी चट्टान है. The chief cornerstone. और वो जो कोने के सिरे का पत्थर है. The stone of foundation. और वो हमारी निजात. Hallelujah. 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 He chose the right stone. और उसने उस सही पत्थर का इंतखाब किया. The chief cornerstone. वो जो कोने के सिरे का पत्थर था उसने उसको चुन लिया. That's why when he woke up. और इस वजह से जब वो जागा. He said, "Oh my God." और उसने कहा, ओ मेरे खुदा. God is in this place. खुदा यहाँ मौजूद है. And underneath it is night. और इस वजह से ये जगह बड़ी भयानक है. So he opened his bag. और उसने इसलिए अपने बैग को खोला. Brought the only thing in his bag, oil. और उसके बैग में जो सिर्फ एक चीज थी वो तेल की कुप्पी थी. He brought his oil. और उसने अपने तेल की कुप्पी को लिया. And he brought the stone. और फिर उसने उस पत्थर को लिया. And he anointed the stone. और फिर उसने पत्थर को anointed. He said, "I anoint this stone." और उसने कहा, मैं इस पत्थर को anointed करता हूं. He turned the stone from a stone to a pillar. और फिर उसने इस पत्थर को लेकर एक पिलर की तरह खड़ा कर दिया. He said, "This shall be the house of the Lord." और उसने कहा कि ये पत्थर आइंदा को खुदा का घर कहलाएगा. The name of the city was called Laws. और यही हम देखते हैं कि आइंदा को हैकल बन गया. So because of covenant. He said, "From today, you are no longer lost. From today, I rename your name in the realm of the spirit. You are now Bethel, the house of the Lord. And I have come to decree and I declare that from today, Pakistan is no longer Pakistan, but in the realm of the spirit, this nation is a Bethel. This nation is a Bethel. This nation shall be known as the house of the Lord because you have traveled that chief cornerstone." यकूब ने कहा, चूंकि यहाँ मैंने खुदा के घर के लिए जगह को मखसूस कर दिया है, अब ये लूज की सरजमीन नहीं कहलाएगी बल्कि ये बैतल का इलाका कहलाएगा जो खुदा का घर का इलाका है. इसलिए मैं ईमान से कहता हूँ कि पाकिस्तान भी आइंदा को पाकिस्तान बदल जाएगा. इसका नाम बदल जाएगा. यहाँ के लोगों की पहचान बदल जाएगी. आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी बल्कि आप कुली तौर पर बदल जाएंगे. हालेलुया हालेलुया. एंड द लास्ट हालेलुया. आखिरी यह जो है, He said, "Lord, out of everything you shall give me, I will surely give you a tenth." That is verse 22, the last one. और आखिरी यह जो वो खुदा के साथ बांधता है. This is the covenant of giving. ये है वो अहद है जो देने का अहद है. Many people don't understand how God works. और देखें कि बहुत से लोग इस अहद को समझ नहीं पाते कि खुदा क्या चाहता है. When we give to God, जब हम खुदा को देते हैं, it's not because He needs it. ये इसलिए नहीं देते कि खुदा को इसकी जरूरत है. But He's trying to show us. लेकिन वो हमें बताना चाहता है. That we cannot outgive him. That we cannot outgive him. देखें कि वो हमें ये बताना चाहता है कि हम उसको नहीं दे रहे. I want to show us an example. मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझा. This man of God, stand here. पैसा प्लीज इधर आइए. Pastor Shrip, आप भी प्लीज. This is an example, okay? मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ. ये बाइबल में नहीं है. Let's say. देखें कि फर्ज करें. I want to show us example, alright? मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ. मिसाल के जरिए समझा रहा हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Let's say these two men. देखें कि ये दो आदमी. Okay? Okay? They are both servants of God. ये दोनों खुदा के खादिम हैं. Yes? You hold this man. These two men, they are both servants of God. ये दोनों खुदा के.
They come to God. ये खुदा के पास आए हैं. And this one is praying. और ये दुआ कर रहे हैं. Lord, ए खुदावन, give me international passport. खुदावन मुझे ये पासपोर्ट दे दे. I want to travel the whole world for your God to preach your gospel. खुदावन मैं पूरी दुनिया में तेरी मुनादी करना चाहता हूँ, मुझे पासपोर्ट. And he loved the Lord with all his hands. और फिर वो पूरे दिल, जान, अकल, दनाई से जो है वो खुदा से मांगता है. He's preaching, he's praying, he's fasting. और वो रोजे के साथ, दुआ के साथ खुदा की मनादी कर रहे हैं. He also loved the Lord with all his hands. ये भी पूरे दिल से खुदा की मोहब्बत करते हैं खुदा से. He's preaching, he's praying, he's fasting. और ये दुआ करते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, रोजे में रहते हैं. But God only wants to do it for one person. लेकिन ये खुदा सिर्फ एक आदमी को दे रहा है. So he fasted for 40 days. और इन्होंने 40 दिन रोजे भी रखे हैं. He fasted for 40 days. इन्होंने भी 40 दिन रोजे रखे हैं. He did not give God anything. इन्होंने खुदा को कुछ नहीं दिया है. But he gave God, say, God, this is my offering. और इन्होंने खुदा को दिया है कि ये खुदावन मेरा हदिया है. Now I want you to judge for yourself. मैं आप पर ये फैसला छोड़ता हूँ. If I am God, अगर मैं खुदा होता, which of these two people should I give this passport? मुझे इन दोनों में से किसको ये पासपोर्ट देना चाहिए? Please tell me. According to your judgment, आपके फैसला किसके हक में जाएगा? This pastor, he prayed, he preached, he fasted 40 days, no giving. देखिए ये खादिम जो है रोजे भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं, रियाजत भी करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं. This pastor, he prayed, he preached, he fasted for 40 days, but he gave offering. देखिए इन इस खादिम ने भी दुआ की है, रोजे रखे हैं, लेकिन उन्होंने हदिया भी दिया है. All of you here, if you think I should give to him, raise up your hand. आप अगर चाहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर है कि क्या ये पासपोर्ट इस पास्टर को मिलना चाहिए? If you think I should give you, raise up your hand. Actually, they are reluctant in this matter because he is a pastor in charge of this area. That's why they are reluctant. Now, if you think I should give him, based on this example, lift up your hand. इस मिसाल के तहत आप फैसला करें कि ये किसको मिलना चाहिए पासपोर्ट? पास्टर अशरफ को. We have 1, 2, 3. So he is the winner. He is the winner. This is how God judges. देखिए इस तरह खुदा फैसले करते हैं. The covenant of giving. खुदा अहद को जो हम देते हैं उसके ऊपर नजर रखता है. The first thing you must give to God is your heart. देखिए कि जो कुछ हम दिल से खुदा को देते हैं उस पर खुदा नजर करता है. Hallelujah. Hallelujah. So tonight. आज रात. पहली चीज जो हमें खुदा को देनी है वो हमारा दिल है. पहली चीज जो हमें खुदा को देनी है वो हमारा दिल है. It says first thing what we have to give the Lord is our heart. Yes, the first thing is to give God our hearts. पहली चीज जो खुदा को देनी है वो अपना दिल. We become born again. तो फिर हमें एक दफा फिर से पैदा होने की, नए सिरे से पैदा होने की. We become God's children. हमें खुदा के बच्चे बनने की जरूरत है. Then anything we are asking God. जो फिर जो कुछ हम खुदा से कहें. We are not asking Him as a stranger. अब फिर हम एक अजनबी की तरह खुदा से नहीं मांगेंगे. We are asking him as his child. फिर हम एक उसके बेटे और बेटी की तरह उससे मांगेंगे. So I give you another example. मैं एक आपको और मिसाल लेता हूँ. Is any of your children here? क्या आपके कोई बच्चे यहाँ मौजूद हैं? Where are your children? आपके बच्चे. Okay. And some of them are here. Okay, so for example, you hold this. Okay, now you are God. अब देखें कि ये आपके पास है और आप खुदा हो. Is there any child you don't know here? आप कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप नहीं जानते? Yes. Which one? कौन सा बच्चा है? Okay. Now, which one do you know? और किसको आप जानते हैं? Okay, both of you stand up. दोनों खड़े हो जाए, जिसको आप नहीं जानते और जिसको आप जानते हैं. This is your son. ये समझिए आप. This is not your son. Both of them are asking you for 1,000 rupees. अब आपका ये बेटा है और ये आपका बेटा नहीं. आप इनमें से किसको 1,000 रुपया देना चाहिए? As a human being, who would you like to give? एक इंसान होते हुए आप ये पैसे किसको देंगे? Be honest. अपने बेटे को. Give your son. Now give your son. दे दें, ये अपने बेटे को दे दें. और ये आपके लिए भी.
देखें कि क्या हुआ है। Because he is your son. क्योंकि ये आपका बेटा है। You put your son first. क्योंकि आपका बेटा, इसलिए आपने उसे पहली तरजीह दी। Healing is a byproduct of being God's child. इसीलिए जब हम खुदा के बच्चे हैं तो खुदा भी हमें पहली तरजीह देता है। That's why he said healing is the bread of God's children, not outsiders. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि क्या मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को दूं? He used his children not just out of compassion, but out of covenant, out of right. But he used other people out of privilege. याद रखें कि खुदा भी जब हम उसके बच्चे बन जाते हैं, उसके अपने बन जाते हैं, तो खुदा हमें पहली तरजीह देता है। और जो अहद हमने खुदा के साथ बांधा होता है, फिर खुदा उस अहद के तरीके से हमें बहाल करता, मुहैया करता है। I give you one more example and we pray. और एक मिसाल लेकर फिर मैं दुआ करना चाहूंगा। Before I became a British citizen, इससे पहले कि मैं बर्तानिया का शहरी बनता, I did not have British rights. मेरे पास बर्तानिया के इख्तियारात नहीं थे, बर्तानिया शहरी। I only had privileges. मेरे पास सिर्फ खास तौर पर privileges थे। Privileges can be taken away. और जो इख्तियारात होते हैं वो किसी भी वक्त लिए जा सकते हैं। But nobody can mess with your rights. लेकिन आपके हकूक को कोई नहीं ले सकता, इख्तियारात को लिया जा सकता है, हकूक कोई नहीं ले सकता। The devil cannot mess with your rights. शैतान जो है वो आपके इख्तियारात को नहीं ले सकता। You say to him, devil, listen. और उसने उससे कहा, ए शैतान सुन, I am now a child of God. मैं अब खुदा का बच्चा हूँ। My father is the owner of the whole world. मेरा बाप जो है वो सारी कायनात का मालिक है। I am a covenant child. मैं एक अहद रखता हूँ अपने बाप के साथ। And my God is a covenant keeping God. और मेरा खुदा अहद को पूरा करने वाला बाप है। So this healing is my right. ये जो हीलिंग है वो शिफा मेरा हक है। This miracle is my right. ये मौजदा जो होना है वो मेरा हक है। Everything that God offers is my right because I am his child. हर वो चीज जो खुदा मेरे लिए करता है वो मेरा हक है क्योंकि मैं खुदा का बच्चा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. But before you can enjoy these things, you have to come into the family of God. You have to become his child. इससे पहले कि आप इन चीजों को एंजॉय करें, इन इख्तियारात को लें, इससे पहले आपको खुदा का बच्चा बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। सो टुनाइट, सो आज रात, आई एम गोइंग टू आस्क यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू बिकम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, अगर आप खुदा के बच्चे बनना चाहते, इफ यू वांट गॉड टू राइट योर नेम इन द बुक ऑफ लाइफ, अगर आप अपने नाम किताबे हयात में दर्ज करवाना चाहते, इफ यू वांट टू एंजॉय दिस कोवेनेंट एंड दिस राइट्स, और अगर आप इस अहद को खुदा के साथ बनना चाहते और उसके इख्तियारात को लेना चाहते, यू ओनली नीड टू कम टू गॉड टुनाइट बाय फेथ, आज आपको सिर्फ ईमान से अपने खुदा के पास आने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, टू रिसीव द फ्री गिफ्ट ऑफ सल्वेशन, द फ्री गिफ्ट ऑफ राइटसनेस दैट इज नॉट बाय वर्क्स, जेकब डिड इट बाय वर्क्स बट ही फेल्ड, बट व्हेन द ग्रेस ऑफ गॉड केम अपॉन हिम ही एक्सेल्ड। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आज की रात जो निजात की रात है, आज की रात जो हमारे खास तौर पर ऐलान की रात है कि हम बच चुके हैं, इस रात में हमें अपनी जिंदगियों को यीशु को देने की जरूरत है। When you hear this message, do not put it off and say maybe tomorrow I will give my life to Christ, because none of us knows what will happen tomorrow. The Bible said today, right now, right here is the day of salvation. अगर आज आपने ये पैगाम सुना है तो फिर ये ना कहें कि कल मैं अपनी जिंदगी खुदा को दूंगा, परसों दूंगा, उस तारीख पर खुदा को अपनी जिंदगी दूंगा। बाइबल कहती है आज आज आज, शायद इसके बाद आप पहुंच जाए, शायद इसके बाद यीशु आ जाए, आपके पास मौका न रहे, अभी मौका है, अपनी जिंदगी यीशु को दे दें। I have two more things to do tonight. दो चीजें और हैं जो मैंने आज रात करनी है। Is to pray with you if you want to surrender your life to Christ. एक आपके लिए दुआ करनी है ताकि आप अपनी जिंदगी यीशु को दे दें। And the second one, I'm going to pray for healing and deliverance. और दूसरी चीज जो मैंने आपके लिए करनी है वो ये है कि आप बीमारों के लिए दुआ कीजिए। If you're here tonight, अगर आप सुन रहे हैं शाम, and God is speaking to you in your heart, और अगर खुदा आपके दिल में आपसे बात कर रहा है, and he's calling you my son, my daughter, और अगर खुदा आपसे कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, I want to transform you. ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरी बेटी, मैं आज तुझे बदलना चाहता हूँ। I want to have a covenant with you like I had with Jacob. खुदावन कहता है कि जिस तरह मैंने याकूब के साथ अहद बांधा, मैं तेरे साथ भी अहद बांधता हूँ। You have tried to do it yourself, but it has not worked out.
आज आपको अपने साथ वो कुछ करना है जो इससे पहले नहीं किया। Tonight, आज रात you want to say, Lord, I surrender to you. कहें कि खुदावंद आज मैं अपने आप को तुझे देता हूँ। I want you to just wave your hand wherever you are. Just wave your hand. मैं चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप अपने हाथ को लहराना शुरू करें। I want you to wave your hand. जो अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं अपने हाथों को लहराएं। I'm not sure they understanding me. मैं ये नहीं समझता, शायद मुझे वे समझ नहीं रहे। मैं सिर्फ उनसे कह रहा हूँ अपने हाथ लहराएं जो अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं, जो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए। अगर फॉर द गिफ्ट ऑफ सल्वेशन, निजात के तोहफे के लिए तेरा शुक्रिया। टुनाइट आई सरेंडर माय लाइफ टू यू। आज रात मैं अपनी जिंदगी तुझे सौंपता हूं। Come and become my Lord and my personal Savior. आ और आज मेरा खुदा और मेरा निजात दहिंदा बन जा। Forgive me of all my sins. मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे। Write my name in the book of life. मेरा नाम किताबे हयात में लिख दे। With my heart I believe. अपने मैं पूरे दिल से तुझ पर ईमान रखता हूँ। That Jesus is the Son of God. कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। That he died and rose again. कि वो मेरे लिए मर गया और जी उठा। And that he's coming back again. और वो दोबारा आने वाला है। And with my mouth I confess. और अपनी जुबान से मैं ये इकरार करता हूँ। That from today Jesus is my Lord and my Savior. और मैं अपनी जुबान से इकरार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद और मेरा निजात दहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। Father, in the name of Jesus. खुदावंद यीशु के नाम में। Your word declared there is rejoicing in the presence of the angels. खुदावंद जब जमीन पर कोई भी शख्स तौबा करता तेरे पास आता तो तेरे फरिश्ते आसमान में। Even over one soul that comes to you. खुदावंद अगर आज ये रूहें तेरे पास आई हैं। Tonight, welcome these souls and write their names in your book of life. खुदावंद इन रूहों को आज कबूल कर और इनके नाम किताबे हयात में लिख ले। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में ये दुआ मांगते। Father, seal all of them with the seal of the Holy Spirit. ऐ खुदावंद इन पर मोहर कर अपने रूह कुछ के जरिए इन पर मोहर साबित कर दे। Baptize them with your Holy Spirit. खुदावंद इनको रूह कुछ का बपतिस्मा दे। With the evidence of speaking in tongues. ताकि खुदावंद ये गैर जुबानों को बोल कर इस बात का सबूत दे। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। I want everybody to stand up and join them. There is a move of God in this place. I feel an unction upon me that is unusual. Lift up your hand and begin to pray. Say, Lord, baptize me with your Holy Spirit. आप सब भी जो बैठे हैं इस वक्त खड़े हो जाएं और इनको ज्वाइन करें, क्योंकि अब आप खुदा की बड़ी कुदरत को देखने को हैं। Lift up your hands, lift up your hands. Lift up your hands and begin to pray. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Hallelujah, praise. Holy Ghost, the fire of God is coming upon you now. In the name of Jesus. Those of you standing on the balconies, आप जो पीछे खड़े हैं, पीछे वाली कुर्सियों वाले उठ खड़े हो। Please be careful not to fall down. आप जो आप आगे वाले हैं, आप ना खड़े हो, क्योंकि गिर सकते हैं। Please move back if you can. अगर आप पीछे वाले खड़े होना चाहते हैं, lift up your hands and Lord Jesus. आप अपने हाथ उठाएं और कहें, आए खुदावंद यीशु। Shout it like Pakistanis, Lord Jesus. पाकिस्तानियों की तरह कहें, आए यीशु। Lord Jesus. खुदावंद यीशु। Me with your Holy Spirit. मुझे रूह कुछ का बपतिस्मा दे। Baptize me with your fire and your power. खुदावंद मुझे अपनी कुदरत और अपनी आग से बपतिस्मा दे। I want you to close your eyes. मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखों को बंद कर लें। And lift up your hands. और अपने हाथों को आसमान की तरफ। The fire of God is coming upon you now. खुदावंद की आग आज आप पर आ रही है। All the pastors here stretch for your hands and begin to pray. खुदावंद के खादिम जो यहाँ खड़े हैं। Father, let there be a release. Let there be a release. खुदावंद आज आपको आजाद। Let there be a release. खुदावंद आज आपको आजाद। Let there be a release. Let there be a release. Stretch forth your hands and begin to pray. In the name of Jesus Christ, we release, we pray a release of your fire, a release of your anointing, a release of your glory, a release of your fire.
let it come upon your people now in the mighty name of Jesus. तेरे लोग रूहुल कुछ का बपतिस्मा पा रहे हैं, तेरे लोग गैर जुबानी बोल रहे हैं, खुदाओं तूने अपने लोगों को छू लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदाओं तेरी आजादी तेरे लोग पा रहे हैं, तेरे लोग छुटकारे पा रहे हैं, तेरे लोग बहाली पा रहे हैं, तेरे लोग आशीर्वाद हो रहे हैं। फायर, फायर ऑफ द होली गोस्ट, रूहुल फायर ऑफ द होली गोस्ट, फॉर लेट देयर बी अ मूव ऑफ योर माइटी इन दिस प्लेस. Like a mighty rushing wind in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, let it be so. Let it be so. Let it be so. Pray, pray, pray. Let it be so. Pray. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Hunger, hunger, hunger. Hunger, hunger. The place of hunger. Rekado sababadeya. Rekado sababadeya. Father, let your fire come upon these ones. Clove in tongues of fire upon them. With evidence of speaking in tongues. Let there be revival in this place. Touch your people, O God. Touch your people, O God. In the name of Jesus. Touch your people. In the mighty name of Jesus. Touch your people, O God. In the mighty name of Jesus. Touch your people. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Touch your people. In the mighty name of Jesus. Yes, you can see now. Touch your people. Yes, you can. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Yes, you can. If you are sick in your body, अगर आप अपनी बॉडीज में देखें, जिस्मों में देखें, I want you to lay your hands wherever you are sick now. अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम है, बीमारी, कमजोरी, put your hands wherever you are sick. अपना हाथ उस हिस्से पर रख लें. Put your hands wherever you need God to touch you. जहां कहीं आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको छुए, उस जगह पर अपना हाथ रख ले. Hallelujah. Hallelujah. There is someone that has a right shoulder problem here. यहां कोई शख्स ऐसा मौजूद है जिसके दाहिने कंधे में प्रॉब्लम है. Right shoulder problem. Where is the person? इस जमात में कोई ऐसा बंदा है जिसके दाहिने कंधे में प्रॉब्लम है. Shoulder problem. Shoulder, कंधे के अंदर दर्द. Stay where you are. God will heal you there right now. यहाँ कहीं हैं आप, उधर ही खड़े रहें. आज यीशु आपको छूने को है. Stay where you are. God will heal you there right now. खुदावंद आज आपको शिफा देने को. God is talking to me about shoulder problems. खुदावंद यीशु ने मुझे कहा है कि किसी के यहाँ. God will touch you right now. Lay your hands wherever you have them. जहाँ कहीं आपको दर्द है आप उधर अपना हाथ. I'm going to pray for your healing right now. मैं आपके शिफा के लिए आज दुआ करूँ. Some women they have back problems. कुछ खवातीन के यहाँ. Lay your hand on your back and believe God for a miracle. पीठ में दर्द है. Some people with eyesight problems. कुछ लोगों की आंखों की प्रॉब्लम है. Lay your hands on your eyes right now. आप अपने हाथ को आंखों पर रख लें. Those of you with ear problems. कुछ के कान के दर्द है. Put your hand in your ear right now. और कुछ के कान पर कान में प्रॉब्लम है. In the mighty name of Jesus. यीशु के अजीम नाम में. I take authority. मैं इस इख्तियार को लेता हूँ और आप पर अपनाता हूँ. Thank you, Lord Jesus. खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ. There is someone with a spinal cord problem, a spine problem here, right here. इस जमात में कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिसके कमर में प्रॉब्लम है. Someone you have a problem. रीढ़ की हड्डी का मसला है. कमर की हड्डी का मसला. Where is the person? You are the person. Thank you. Stay where you are. God will touch you there. जहाँ आप खड़ी हैं उधर ही खड़ी रहें. अभी आपके लिए दुआ होगी. Lift up your hands. अपने हाथ आसमान. Put your hand where you need God to touch you. जहाँ कहीं आपको दर्द है, तकलीफ है, there is someone else. I want you to talk to them. There is someone else. एक और बंदा है यहाँ. This is almost like epilepsy. कोई यहाँ मौजूद है जिसको शायद मिर्गी का मसला है. Sometimes they pass out. Who is the person? शायद किसी को माजी में रहा है या आज है. यहाँ कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसको मिर्गी का मसला है. Where is the person? Sometimes you pass out. You know what passing out is? Where is the person? Is it epilepsy?
Yes. Epilepsy. Come this way. God just said, deal with epilepsy. Since we have been meeting, have you heard me say epilepsy? I've never said epilepsy. This is the first time. Hallelujah. मैंने पहले कभी भी एपिलेप्सी के मिर्गी के मरीज को नहीं देखा, आज पहली दफा मैंने. Hallelujah. Hallelujah. Put your hand wherever you need God to touch you tonight. जहां कहीं आपको कमजोरी है, दर्द है, तकलीफ, in the name of Jesus. आज मैं आपके लिए दुआ. I break an end to epilepsy in the name of Jesus. यीशु के नाम में शिफा. यीशु के नाम में शिफा. इसके पीछे कोई खड़े हो जाए प्लीज, इसके पीछे कोई खड़ा हो जाए. खुदा पाक मैं तेरा शुक्र करता हूँ, खुदावन मैं इसको तेरे नाम से आजाद, यीशु के नाम से आजाद. हालेलुया. जहाँ कहीं आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको छुए, उस जगह पे हाथ रख लें. और मैं अब आप सबकी शिफा के लिए दुआ करने के लिए यीशु के नाम में, खुदावंद मैं तेरे इख्तियार को इस्तेमाल करूं उन सब बीमारियों के लिए जो शायद इंसानों के लिए नामुमकिन है, लेकिन मैं तेरे नाम से तेरे इख्तियार से खुदावंद के लिए दुआएं खैर करता हूँ. और खुदा उनमें दुआ करता हूँ कि ये अपना ईमान ना छोड़े, बल्कि तुझ पर ईमान रखते हुए आज शिफा को हासिल करके जाएं. I command blind eyes to open up. खुदा उनमें दुआ करता हूँ आज अंधे देखना शुरू. I command deaf ears to open up. खुदा उन आज बहरे सुनना शुरू. I command dumb mouths to begin to speak. खुदा उन आज गूंगे खास तौर पे बोलना शुरू करें. Every blood, bone and body disease be healed in the name of Jesus. हर किस्म की खून की बीमारियां यीशु के नाम से जाती हैं. I command cancer and every blood in your body to disappear. के नाम से हर किस्म का कैंसर भी जाता रहे. I bring an end to barrenness in the name of Jesus. हर किस्म की देखी अनदेखी बीमारियां पोशीदा मराज जाते रहे. Someone, the doctors have told you that you will not make it. I now rewrite that doctor's report. You will live and not die to declare the work of the Lord in the land of the living. Whose report shall we believe? We shall believe the report of the Lord. I cancel that report and I decree to you shall live in the name of Jesus. आप में से कोई ऐसे हैं जो खास तौर पर जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप अब जिंदा नहीं रहेंगे, आप मर जाएंगे, लेकिन हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, हम अपने खुदा की रिपोर्ट की तरफ नजरें उठाते हैं. कोई यहाँ मौजूद है जिसकी हार्ट का मसला है. Who is the person with a heart condition? जिसके हार्ट का मसला है. Someone with a heart condition. कोई है यहाँ जिसका हार्ट का मसला है. You have heart problem. Who is the person? कौन है जिसके हार्ट का प्रॉब्लम है? Place your hand on your heart right now. अपना हाथ दिल पर रख ले. Place your hand on your heart wherever you are. आप अपने हाथ को दिल पर रख ले. I call for the greatest miracle. आज मैं आपके बड़े मौजे के लिए दुआ कर रहा हूँ. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I am hearing something about cardiomegaly. Someone you went for a scan and they told you that you have an enlarged heart. Is the person here? और कोई enlarged heart. आपके दरमियान कोई ऐसा बंदा है जिसको खासतौर डॉक्टर्स ने कहा इसका दिल बड़ा हो गया है, साइज में बड़ा हो गया है. Who is the person? वो कौन सा बंदा है? कौन सी बंदी? They told you that your heart is enlarged. उसको कहा गया है कि तेरा दिल बड़ा हो चुका है. Or you don't even know it. या शायद आपको पता नहीं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I bring an end to every heart condition in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में आप सबके लिए दिलों के इलाज की दुआ करता हूं. In the name of Jesus. Every form of sickness, disease is canceled tonight. हर किस्म की बीमारी कमजोरी यीशु के नाम. In the mighty name of Jesus. यीशु के अजीम नाम में. Thank you, Father. खुदावन्द तेरा शुक्र हो. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं. Shout hallelujah. सब कहें hallelujah. Hallelujah. दोनों हाथ उठा देर तक मेरा हाथ उठते रहेगा गले जो आवाज निकलनी चाहिए. कौन कौन प्यार है? दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए. ओके प्यार है. जब मैं
ऐसे करूंगा, स्टार्ट करेंगे, ओके। हाथ ऊपर आसमान की तरफ, हालेलुया। एक बार और हालेलुया, ओके। दोनों हाथ आसमान की तरफ, ओके। वन टू थ्री स्टार्ट, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली यीशु के लिए, प्रेज यीशु, हालेलुया, हालेलुया। वो भाई नु हुन याद रहेगा पाकिस्तानियों ने, हालेलुया, 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 प्रेज यीशु। यीशु जिंदा है, यीशु के लिए जोरदार तालियां, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। First of all, I just want to say, Pastor Bishop, thank you.